नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 21 अगस्त 2018 के जो है तो सेकंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। और आपका ये एलपी टेक्नीशियन का है और यहाँ पर डेट भी देख लीजिए कि 21/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग क्या होती है, 1 से 2 बजे के बीच की थी, ठीक है। और पहले शिफ्ट की 10 से 11 और चौथी यानी कि तीसरे शिफ्ट की जो है तो 4 से 5 की टाइमिंग थी। और इसमें दोस्तों आपकी जो है तो मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ के रहेंगे और यहाँ पर जीके के भी और रीजनिंग के, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जिसमें से दोस्तों हम जीके के अंदर यहाँ पर आएगा आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट आएगा, उसको नहीं हम करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ते जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना आया था इसमें, ठीक है। मतलब उस टाइम पे तो नया था लेकिन अब पुराना हो चुका है, 2023 में उसके आने के चांस नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाकी जो है सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। और बता देंगे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके जो है तो जितने भी आपकी रेलवे की या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप ले लें एलपी का ही ले लें, सबसे पहले एलपी के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आरपीएफ हो गई आपकी और जेई हो गई, ठीक है। इन सारे जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं या फिर एसएससी के लिए भी दोस्तों इसके क्वेश्चन कई बार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि एसएससी के क्वेश्चन रेलवे पूछ लेता है और रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के एसएससी रख देता है, ठीक है, वैसा हो जाता है। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला है कि दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो आपको ये आंकड़े दी हुई हैं और इन करोड़ टन में दिया हुआ है और बोला गया है कि चावल का उत्पादन करोड़ टनों में है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे और चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर कंट्री भी दी गई हैं, तो देश भारत है, भूटान, श्रीलंका, चीन और जापान है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भूटान देखना है और उसमें दोस्तों क्या देखना है कि सर्वप्रथम किस वर्ष जो है चावल के उत्पादन में गिरावट हुई। तो भूटान आपका ये रहा, पहले 14.5 था, फिर 16.3, अभी तो बढ़ोतरी हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 16.2, यानी कि पहली बार ही यहाँ पर गिरावट हो गई यहाँ पर किस सन में, 2003 में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2003, ओके। तो इसका राइट आंसर 2003 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोपहर के 3:47, ठीक है, यानी कि दोपहर के 3:47 में घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण बताना है, ठीक है, और वो भी छोटा कोण बताना है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसमें आप सिंपल सा यहाँ पर जो है तो वैल्यू रख सकते हैं घंटे और मिनट की, ठीक है। तो वो फार्मूला लिख लीजिए सभी लोग, वो क्या होता है 11/2 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होता है यहाँ पर मिनट होता है, ठीक है, तो मिनट होता है और माइनस में दोस्तों क्या हो जाता है आपका 30 × घंटे, ठीक है। इसमें दोस्तों अब जब आप मान रख देंगे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको सब सॉल्व करिए अब, तो देखते हैं तो यहाँ से आपका क्या आने वाला है 11/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर मिनट कितने हैं 47, ओके, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 30 × कितने घंटे हैं 3, ठीक है, 3। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 47 × 11 कर देंगे, उसके बटे में 2, ठीक है। तो 47 × 11 कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, तो जब भी किसी संख्या से 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पहले वो नंबर शुरुआत में लिख लेते हैं, लास्ट वाला लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7×4 11 एड करने पर, तो 11 लिख लीजिए, तो एक जो हासिल आएगा वो आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, तो 5 × 1 7 यानी कि 517 यहाँ पर आ रहा है, तो 517/2 और माइनस में क्या हो रहा है आपका 90, ठीक है। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 8 बार जाएगा, ओके, 16.5। तो इसमें जब आप 90 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 90 माइनस करने पर यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.5 और इधर 8 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 167.5 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस बच्चे को, इसने कोई भी ऑप्शन नहीं चूज किया, ठीक है, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं था घंटे और मिनट के बीच के जो है तो जब कोई टाइम दिया हो तो वहाँ पर घंटे और मिनट के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो अब आप सभी लोग ध्यान देना कि इसका निकालने के लिए फार्मूला यही होता है,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है न्यूटन का पहला नियम ही फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, एक समान गतिशील अवस्था में है, तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें दोस्तों कोई बाह्य बल हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कोई वस्तु जब तक स्थिति स्थिर अवस्था में है तो तब तक वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि हम वहाँ पे कोई बल नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। इससे आसान दोस्तों सवाल अब मेरे हिसाब में ऐसे इजी सवाल आते हैं ना आपके एग्जाम में अब 2023 में, तो मान लीजिए कि ये बोनस है, ठीक है। तो बोनस है, इसको ज़रूर बटोरना। बोला गया कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है। तो 4/5 में हम मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो जाता है, 5/4। सिंपल जो बोले वो करते जाना। तो आप कितना जोड़ x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5/4 और -4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या क्या आएगा, 25 - 16/20, ठीक है। तो इधर से आपका क्या आने वाला है, 9/20 आंसर, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रॉब्लम फिगर, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर अलग चीज़ क्या देखना है कि मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इसको आप देखते हैं, ये जो वाई है ना तो उल्टा है, फिर इसको डायरेक्ट ऊपर कर दिए, 180 डिग्री घुमा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री घुमाने के बाद दोस्तों क्लॉकवाइज क्या किया जा रहा है कि उसको फिर 90 डिग्री घुमाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे, पहले दोस्तों क्या किया जा रहा है कि पहले उसको क्या किया जा रहा है कि पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है, फिर 90 डिग्री। तो अब ऐसा तो कहेंगे नहीं आपके साथ 45 डिग्री आप घुमाइए, क्योंकि 180 फिर 90 तो फिर 45 ही होगा ना, ठीक है। तो इस क्यों, क्योंकि डिवाइड टू करने पर, ठीक है, तो 45 ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो इस पर दोस्तों आपके ऑप्शन डिपेंड करते हैं क्या दिए गए हैं। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दोस्तों देखो, कोई भी 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी 45 डिग्री पर मुड़ा नहीं है तो क्या होगा, अब जब कोई भी आपकी आंसर फिगर 45 डिग्री पर मुड़ी हुई नहीं है तो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स होने वाला है कि जो आप यहाँ पर सोच रहे हैं ना कि पहले 180 डिग्री क्लॉक वाइज जा रहा है फिर 90 डिग्री जा रहा है, वैसे ना सोचकर आप सोचिए कि अल्टरनेटिव, ठीक है। यानी कि आप जब इसको देखेंगे तो इसको इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये क्लॉकवाइज दोस्तों 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो यानी कि ये भी दोस्तों ये आकृति क्वेश्चन मार्क की जगह क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ जाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज मुड़ेगी, यानी कि जो वाई का ये जो चिन्ह है वो किस साइड आएगा, इस साइड, ठीक है। यानी कि जो इधर आकृति बनेगी वाई इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो वाई इस तरफ दोस्तों देखेंगे, उसके बाद एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अलग से पार्ट ये निकला हुआ ना, वो कैसे जा रहा है, सेम मतलब कि सेम 90 डिग्री घुमा दिया केवल, और कुछ नहीं बदलाव किया गया, ठीक है। तो इसमें ही केवल अगर आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो जो बाकी ये आकृति बन रही है ऐसे, वो भी बना ही देते हैं अपन, ठीक है। ऐसे बन रही है ना, ऐसे बन रही है और ऐसे किए होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये तीन बोले बन जाएंगी, ठीक है, तीन डॉट हैं जो, और आपका यहाँ पर और क्या बना है, जो ये चीज़ देखना है पड़ेगा आपको, ये आकृति, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ पर आ जाएगी आपकी, इधर यहाँ से आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इधर आ जाएगी, तो ये फिगर जहाँ पर बने होगी जिस ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों आपके किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और PDF भी दोस्तों जिसको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ टॉप गुरु में ऐड हो जाइए, वहीं से सारी क्लासों की दोस्तों आपको लिंक मिलती है और PDF भी सारी वहीं से प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला गया है कि इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पर दोस्तों तरबूज होता है वो समलैंगिक होता है, ठीक है, और ये होता है खीरा भी सेम, ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर मस्टर्ड होगा, यानी कि सरसों, ठीक है। इसमें दोस्तों सरसों के जो फूल होता है उसमें नर और मादा दोनों जो है तो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, दोनों लिंग होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, मस्टर्ड यानी कि सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला गया कि दो संख्याओं का एलसीएफ 12 और उनका एलसीएम 72 है, यदि उनमें से एक संख्या आपकी 24 है तो दूसरी संख्या का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक फार्मूला होता है एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है, और बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एलसीएफ लिख लीजिए और एलसीएम आपको 72 गिवन है, और यहाँ पर पहली संख्या आपकी 24 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करने वाले हैं तो इसको देखिए, तो 24 तिहाई कितना होता है आपका 72। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं। बोला गया है कि नीना ने एक फ़ोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, जो फोटो में क्या है वो लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर यानी कि उसका फोटो वाले का क्लियर है, मेल है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। और नीना ने एक फ़ोटो की ओर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नीना लेते हैं और नीना का अभी जेंडर क्लियर नहीं है अपन को। ठीक है, वो आगे देखते हैं, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। ठीक है, यानी कि उसकी नानी के, नीना की नानी कौन हो जाएगी, उसकी मम्मी की मम्मी हो जाएगी उसकी नानी। ठीक है, नीना की, तो वह बोला गया कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी है यानी कि नीना की मम्मी ही हो जाएगी। ठीक है, और इकलौती बेटी का बेटा है, इकलौती बेटी का बेटा है, यानी कि जो यहाँ पर जो तस्वीर पर छपा हुआ व्यक्ति कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो बोला गया कि नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध होगा, तो नीना उस लड़के की क्या हो जाएगी, या तो भाई हो जाएगा या फिर बहन हो जाएगी। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जेंडर क्लियर नहीं है इसका कि मेल है कि फीमेल है, तो भाई या फिर बहन का यहाँ पर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जेंडर क्लियर होता तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहीं पर भी भाई नहीं आपका गिवन है। ठीक है, तो भाई नहीं है, यानी कि आंसर आपका क्या आने वाला, बहन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन देगा, बाकी आपका जो है तो कैन ऑफ डिटरमाइंड भी दे सकता है, सीएनडी भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर बहन ही दिया है, भाई नहीं दिया है, तो आपका आंसर बहन ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन में बोला गया कि रक्त में पाए जाने वाले डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है आपका, आरबीसी। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उन्हीं के द्वारा दोस्तों हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है वह परिवहन हो पाता है। ठीक है, तो जो दोस्तों जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ठीक है, यानी कि जो हम ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं, तो फेफड़ों में दोस्तों क्या होती हैं, एल्वोलाई होती हैं। ठीक है, फुफ की हिंदी में तो उनको कुछ बोला जाता है, तो एल्वोली बोलते हैं इंग्लिश में। उनमें क्या होता है कि उनमें दोस्तों आरबीसी जाता है जब, ठीक है, तो जब ब्लड जाता है उनमें आरबीसी नाम से होता है ना, लाल रक्त कणिकाएँ, ठीक है, तो वो जाती हैं, तो उनमें तो क्या होता है, एल्वोली के माध्यम से वहाँ पर जो है ऑक्सीजन उनमें चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आरबीसी के माध्यम से पूरे शरीर में हमारे जो है तो ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। ठीक है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, पूरी सभी गैसें रहती हैं जो वायुमंडल में रहती हैं, तो केवल यहाँ पर जो आरबीसी होती है वो केवल किसको चिपकाती है अपने ऊपर, वो केवल ऑक्सीजन को ही चिपकाती है, बाकी जितनी भी अदर गैसें हैं उनको सभी को बाहर फेफड़ों के माध्यम से पुनः उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आरबीसी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि 9409 यानी कि 9409 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले आप समझिए कि आपको इस तरह के दोस्तों सवाल कई बार आते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए जो जितने भी अभी तक मैंने एनालिसिस कराए हैं, ठीक है, जितने भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन के 2018 के, तो उनमें से लगभग हर एक चैप्टर में एक से दो क्वेश्चन इसका था वर्गमूल का। तो दोस्तों आप कई वर्गमूल निकालना दोस्तों सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अगले जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सबसे पहले आप देखो 87 को पकड़िए, तो 87 को आप पकड़ेंगे तो मान लेते हैं कि ये 90 है। ठीक है, अगर 90 आप मानते हैं तो 90 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 90 का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 8100 होगा। और लेकिन ये दोस्तों 8100 से ज़्यादा है, तो ये तो दोस्तों कभी होगा नहीं, क्योंकि 90 से फिर भी अभी यही कम है, तो 90 से ज़्यादा ही होना चाहिए तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों होगा ही नहीं आपका। ठीक है, ये होगा नहीं कभी। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 97 है और यहाँ पर 89 है। ठीक है, तो 89 को दोस्तों देखते हैं तो ये भी 90 से कम है, यानी कि 181 तक ही जो है तो 181 से कम ही रहेगा ये भी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 83 भी तो कभी नहीं होगा, इसने ऑप्शन दोस्तों गलत दिया है रेलवे ने। ठीक है,
ये टेक गलत किया, बोनस अंक गया होगा ये, तो यहाँ पर 83 यानी कि 6400, ठीक है, तो 6400 आएगा 80 का वर्ग, ठीक है। कैसे चेक करते हैं वो बताते हैं, और 85 का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जब भी किसी अंक के लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो 5 का तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है ना, तो उसका अगले वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है, 9872 हो जाएगा, तो इतना आएगा, तो इतना तो कभी पहुँचना नहीं, तो ये भी राइट नहीं होगा, तो बचेगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 97 ही केवल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे सर कि 97 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो देख लीजिए। तो 97 का जब आप ऐसे वर्ग निकालेंगे तो 9 ने क्या कितना होता है 81 होता है 9 का वर्ग करने पर, और 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक अंक छोड़ के दोस्तों, यहाँ पर किसका योग करेंगे आप, 9 7 63 और 63 दूनी क्या होता है 126, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 63 दूनी 126 का आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और इधर का आ जाएगा 0, इधर आपका 3 1 4 इधर 9, ठीक है, यानी कि 9409 इसका 89 का वर्ग जो है, तो सॉरी 97 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा राइट होगा, ना कि आपका चौथा, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, बाकी आप ये बुक याद रख सकते हैं कि जो अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ड के लेखक कौन है, तो राहुल मेहता, ये बुक आ भी सकती है, बुक दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राहुल मेहता, उनकी बुक कौन है, नो अदर वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा आपको समझ में ही आ गया होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या कर रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, यानी कि अम्ल और क्षार को एक एक साथ मिला देंगे, तो वह कौन सी क्रिया हो जाती है, उदासीनीकरण, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन ये प्रक्रिया हो जाती है, तो ये आप ध्यान देना। और दोस्तों जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल मिलते हैं, आप चाहे तो एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एक अम्ल ले लेते हैं, तो अम्ल हम HCl मान लेते हैं, HCl है, और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH, ओके। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक लवण होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, जल बन जाएगा H2O, ठीक है, तो ये बन जाएगा। आप चाहें तो इसकी बैलेंसी भी पूरे कर सकते हैं, बैलेंसी यानी कि आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, और सोडियम 1 है, क्लोरीन, यानी कि बैलेंसी पहले से ही पूरी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण, ठीक है। जब भी हम अम्ल और क्षार की आपस में प्रक्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उदासीनीकरण क्रिया कराती है और लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कितनी लंबी थी, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर निकालना है, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, 300, और जो वो अगर प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर रही है तो कितनी दूरी तय कर तय करेगी, वो खुद की लंबाई और जो है तो प्लेटफार्म की लंबाई। तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई टी है, और ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, दूरी बराबर क्या होता है, टाइम इनटू, ठीक है, टाइम इनटू स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू जो है तो स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है उसको, 24 सेकंड, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे 36 को 24 आएगा, और 36 18, और इधर से क्या हो जाएगा आपका 22, और 20 इधर है, तो टी बराबर आपका क्या आने वाला है, 44, यानी कि 440 इधर से आ जाएगा, माइनस 300 करेंगे आप तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाने वाली है आपकी, 140 मीटर की ओक्स की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 140, ठीक है ना, तो इधर से 140 ही आएगा, 5 20, और इधर जो है तो 44, यानी कि 440 आएगा, तो 140 इसका आंसर आएगा। देखो बच्चे ने भी दूसरा ऑप्शन जो है तो दिया है, और यहाँ पर उसको दूसरा ऑप्शन रेलवे भी नहीं टिक किया, लेकिन इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है आंसर, आंसर इसका 140 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला गया कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है, ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेलीफिश। तो जेलीफिश दोस्तों एक ऐसा जानवर है, एनिमल है, वह जो है तो ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो अर्थवर्म होता है, प्लाइनेरिया होता है, एस्केरिस होता है, ये सारे क्या हैं, ट्रिपेलोब्लास्टिक हैं, ठीक है, और जो जेलीफिश होती है आपकी ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर दी हुई हैं,
तो आपको सिंपल सा फाइंड क्या करना है कि इन चारों में से किस में जो तो ये आकृति छिपी हुई है, ठीक है। तो इसमें तो दोस्तों आपको कहीं पर दिख ही नहीं रहा, तो ए तो होगा नहीं, ना ही आपका बी में कहीं भी बन रहा है, और आपको देखें तो डी में बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी देख लेते हैं अपन ऐसे। तो डी में भी नहीं बन रहा, ठीक है। अगर सी में आप देखते हैं तो सी में ऐसी आकृति बन रही है, ठीक है। कैसी? ऐसी, ये गई और इधर फिर और ये चीज़, ठीक है। तो डी में ही बन रही है दोस्तों, सॉरी सी में। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा, डी में नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि उस अंग को नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है कहाँ पर होता है, तो जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, तो वहीं पर दोस्तों जो भ्रूण होता है वो उसका विकास होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यूटेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, ठीक है। तो दोस्तों जो ये मेगास्थनीज थे वह ग्रीक के थे, ठीक है। तो ग्रीक से यानी कि यूनान से थे, और इनको जो तो सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों भेजा था, और उनने दोस्तों मेगास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको भेजा था मेगास्थनीज को, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक, ओके, यूनान। क्वेश्चन में बोला गया है कि बिजली के प्रतीक, ठीक है, आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो बिजली में जो यानी कि जो आपका जो आर बराबर क्या होता है, वी आई होता है, तो इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आर के बारे में पूछा गया, तो आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है एक सर्किट एक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट का है, यानी 5 वाट का है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि एक जो है तो परिपथ है, सर्किट है, ठीक है, और ये सर्किट हो गई, और उसमें दोस्तों 2 बिंदु हैं, ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। तो इनमें दोस्तों क्या हो रहा है, जो है तो 2 कूलम्ब, ठीक है। तो 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा है, और दोनों बिंदु के तो 2 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होने पर उनके जो बीच में विभवांतर मध्य में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो पूछा गया कि तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, तो किए गए कार्य क्या होगा, जो है तो आवेश इंटू क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 2 × 5 करेंगे तो ये किए गए वर्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, 10 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, ठीक है। तो गेंद छीनने की कला, छापा मार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक, ठीक है। तो गेंदबाज, गेंद को छीनने की कला, छापा मार और गेंदबाज और प्रतिरक्षक। तो सुपर टैकल हिंदी से देखो, इंग्लिश से नहीं समझ में आ रहा है, जब भी कोई शब्द इंग्लिश मतलब हिंदी से ना समझ में आए तो आपको इंग्लिश से देख लेना, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो चेंज करने का ऑप्शन रहता ही है वहाँ पे एग्ज़ाम में। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो इंग्लिश को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सुपर टैकल है, रेडर है, बॉलर है, डिफेंडर है, ठीक है। तो जो सुपर टैकल है ये भी कबड्डी का शब्द है, और रेडर है, रेडर ये भी कबड्डी का है, और डिफेंडर, ठीक है, ये तीनों क्या है, शब्द कबड्डी से जुड़े हुए हैं, और बॉलर क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, तो गेंदबाज आपका अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि 13, 10, 7, 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंपल सो आपको दिख रहा होगा कि इधर -3 कर रहा है, और इधर भी -3, और इधर भी -3 होगा, तो इधर भी -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि आप 4 में 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। कक्षा में उसको कुल छात्रों की संख्या आपको बताया गया है, तो कितनी हो जाएगी, तो टोटल जितने नंबर यहाँ पर लिखे हैं सारे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टोटल छात्र पूछे गए हैं, उनमें कोई शर्त नहीं लगाई है कि वो बॉय होंगे कि गर्ल होंगे कि एथलीट होंगे कि डिसिप्लिनड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो तो हो जाएंगे, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बाकी हम काउंट करके बता ही देते हैं। इधर 10 है, ठीक है, 10, 6, 16, 7, 23, और 23, 5 आपका क्या हो जाएगा, 28, 28, 9, 37, 37, 8 आपका 45, 46, ठीक है, 46, 9 आपका 55। तो 55 आपका देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वहाँ 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमने स्टूडेंट काउंट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि श्रीमती एक्स के पति
वाई की माँ, वाई की इकलौती माँ के, ठीक है, वाई की माँ के इकलौते बेटे कौन है, श्रीमती एक्स के पति, ठीक है। तो बोला गया कि श्रीमती एक्स के पति, तो श्रीमती हम एक्स ले लेते हैं यानी श्रीमती बोला गया यानी कि वह फीमेल होंगी, और उनके श्रीमती एक्स के पति यहाँ पर हम ले लेते हैं ये हैं कोई, और उनको ये दे देते हैं। तो ये जो है तो पति पत्नी है, तो गोले के अंदर पैक कर देते हैं। बोला गया श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के, ठीक है, तो श्रीमती वाई की माँ के, श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं कौन, श्रीमती एक्स के पति, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब कि श्रीमती एक्स के पति जो यहाँ पर ये हमने लिया है वो श्रीमती वाई के भाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि यदि श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती वाई के पति चचेरे भाई हैं, ठीक है, यानी कि कज़न है, तो यदि बोला गया कि श्रीमती एक्स के भाई, ठीक है, श्रीमती एक्स के भाई, तो श्रीमती एक्स के कोई भाई ले लेते हैं अपन, ये ले लिया। उसके बाद बोला गया कि और श्रीमती वाई के पति के चचेरे भाई, ठीक है, पति, तो इसके पति हमने ये ले लिया, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, उसके चचेरे भाई, ठीक है, जो उसके जो पति हैं श्रीमती बाई के वो कौन से हैं, चचेरे भाई, ठीक है, नहीं दादा चाचा के लड़के हैं। तो पूछा क्या गया है वो आप देखिए, आप पूछा गया कि एक्स का श्रीमती बाई से क्या संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनके पतियों से कोई संबंधित नहीं है। आप सिंपल से देखिए कि जो श्रीमती वाई है जो उनकी क्या है, बहन है, किसकी, श्रीमती एक्स के पति की बहन है वाई, श्रीमती वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, श्रीमती बोला गया कि श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध होगा, तो यानी कि एक्स वाई की कौन लगेंगी, तो क्या लगेंगी, एक्स वाई की कौन लगेंगी, भैया की भाभी, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएंगी, ननन, भाभी, साली, जिठानी, ठीक है, यानी कि सिस्टर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भाभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि आधुनिक और सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय गैस यानी कि किसी भी तत्व से वह क्रिया ना करें, ठीक है, यानी कि उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, और अगर अष्टक पूरा है तो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वह दोस्तों क्या होगा, निष्क्रिय होगा, यानी कि किसी से क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके आधुनिक और सारणी होती है तो उसमें किस समूह में, यानी कि जो जो आपके इस तरह होते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइनों के बीच में दोस्तों ये खंड बनते हैं, तो क्या होता है वही क्या कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। तो बोला गया निष्क्रिय गैसों का कौन सा ऐसा समूह है, तो निष्क्रिय गैस सबसे लास्ट में होते हैं, तो लास्ट में कौन सा समूह रहता है आपका, 18वां, ठीक है, और 18वें के पहले दोस्तों जो 17वां समूह रहता है उसमें हैलोजन समूह बोलते हैं उसको, ठीक है, हैलोजन तत्व, ठीक है, तो 18वां समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तत्व दोस्तों कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे दोस्तों क्या होते हैं आपके, निष्क्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला गया कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक पहुँच ना जाओ तब तक ना रोको, ठीक है, तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद की ये वक्तव्य है, कथन है, उन्होंने बोला था कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ तब तक आप रुको नहीं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम, बोला गया कि एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक इंसान है उसको दोस्तों अपने मजबूरी की स्थिति से ऊपर उठकर ही काम करना चाहिए, ठीक है, और उसको कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, जब तक वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। और दूसरा है, ये तो राइट हो जाएगा पहला, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, तो कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है तो इससे यह भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य पा सकता है अपना, इसमें कोई भी व्यक्ति इस संसार में कमज़ोर नहीं होता, अगर वह ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों इसके राइट आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या इसका राइट होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है, तो देखो राइट है पहला और दूसरा, दोनों अनुसरण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ज़मीन पर खड़ी एक महिला, ठीक है, ज़मीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक है, यानी कि दोस्तों एक टावर है और एक महिला जो है तो ज़मीन पर यहाँ पर जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर जा रही थी वो, और बोला गया है, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा और यहाँ पर महिला है, ठीक है, और बोला गया है कि वह दोस्तों 36 मीटर लंबे टावर, ठीक है, यानी कि टावर की लंबाई कितनी है, 36 मीटर, ठीक है, और जब वो दोस्तों पहली अवस्था में थी तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या बन रहा था, ये वाला एंगल, ये बन रहा था 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। अब बोला गया है कि वह इस तरह से दूर चली गई, ठीक, कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही रेखा में, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में वो जा रही है ऐसे,
और वो आगे चलती जा रही है, ठीक है इस तरह। तो दोस्तों जो लास्ट एंगल बन रहा है टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री का, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो आपका बनेगा कितना बोला गया है 30 डिग्री का, ठीक है। इसके पहले जो शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, कराया हुआ है, बोला गया कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर होगी। तो ये आपकी लेंथ दी हुई है, तो आपकी ये जो है तो ये पूछा गया, तो आरंभिक स्थिति उसकी ये थी और यहाँ पर लास्ट में आ गई, यानी कि इसके इसके बीच में दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये डी है। तो जब भी 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बनता है ना इस तरह में, तो क्या होता है, अगर ये डी आप मानते हैं तो ये दोस्तों डी बाई टू हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो हाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, डी बाई टू रूट थ्री के, ठीक है। अब ये दोस्तों किसका कॉम्बिनेशन है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का केवल, ठीक है। तो डी बाई टू रूट थ्री बराबर क्या कर देंगे आप, 36, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी बराबर जो है तो क्या आने वाला है, 72/3, ठीक है। तो हर का प्रमेयीकरण जब आप करेंगे तो डी बराबर आपका क्या आने वाला है, 24/3, ठीक है। हर का प्रमेयीकरण ऐसे करेंगे तो रूट तीन का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देने पर क्या हो जाएगा, रूट तीन का मल्टीप्लाई जब रूट तीन से होगा तो इधर तीन हो जाएगा, तीन को डिवाइड करेंगे तो 24/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 24 नहीं होगा, 24/3 आपका, 24/3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो ये भी दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही बोला गया है कि किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ठीक है। देखो बोला गया कि किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, यानी कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म हमें लेना है और उसकी हाइट क्या है, 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर ले लेते हैं अपन, उसके बाद आपका क्या बोला गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया किसी टावर के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ठीक है। तो ऊपर के प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो टावर के शीर्ष का बोला गया है, तो ये दोस्तों ये बेस दोनों के सेम लेना है और यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, तो ये दोनों का ये सेम हो जाएगा इधर और ये बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इधर से इधर का एंगल बोला गया है कि कितना है, 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो ये दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म की हाइट ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी 5 मीटर हो जाएगी। तो बोला गया कि टावर की जो ऊंचाई क्या है, 45 है, यानी कि इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी कि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। तो इधर क्या आने वाला है आप देखिए, तो 30 डिग्री के सामने ये है, देखो ये 90 डिग्री बनेगा एंगल, 30 डिग्री का ये है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोण, क्योंकि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है कि 30 डिग्री के सामने अगर आपका क्या है 40 है, देखो 30 डिग्री के सामने अगर आपका 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम लेकर आपको बता ही देते हैं, ठीक है, कैसे बनता है ये। तो ये आपका जो है समकोण एंगल, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और ये वाला इसका 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये कोण आपका 30 है और ये आपका 60 है, तो यहाँ पर जो अनुपात इनकी भुजाओं का क्या हो जाता है, अगर 30 के सामने 1 हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री के सामने √3 हो जाता है और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के सामने आपका 40, यानी कि 1:2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40। तो 60 डिग्री के सामने यानी कि ये भुजा क्या हो जाने वाली है, √3, ठीक है, यानी कि 40/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही दूरी तो पूछी गई थी आपकी, 40/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्वधारणाएँ में से, ठीक है, कौन सी अंतर्निहित है। तो युक्ति आपकी दी हुई है वर्ष 2020 एक कौन सा है, अधिवर्ष, यानी कि लीप ईयर है, ठीक है। तो सभी लोग जानते भी हैं, अगर बोलता भी नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 क्या है, लीप ईयर है। कैसे पता करते हैं, जब भी जैसे यहाँ पर 2020 दिया है तो लास्ट के दोस्तों उसके दो डिजिट ना तो 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वह लीप ईयर है, यानी कि इसमें 366 दिन होंगे। और एक खासियत होती है 366 दिन कैसे हो गए, क्योंकि जो फरवरी का माह होता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं लीप ईयर में, 29 दिन हो जाते हैं। बाकी जो सामान्य ईयर होता है, सिंपल ईयर होता है, उसमें 28 दिन होते हैं फरवरी में, ठीक है। अब पूर्व धारणाएँ पढ़ते हैं, 2020 में फरवरी में क्या हो जाएंगे, 29 दिन होंगे, ठीक है। तो ये तो राइट हो जाएगा, अभी मैंने बताया। और बोला कि वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, ठीक है, अधिवर्ष नहीं, यानी कि लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। तो ये भी राइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसमें आप
चार साल माइनस कर देते हैं 2016 दोस्तों क्या आएगा, लीप ईयर आएगा, ना कि 2017। ठीक है, 2017 आपका सिंपल ईयर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2017 आपका चार से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 17 जो है लास्ट के दो डिजिट, तो ये भी राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं बोला है, तो दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक सांद्र अम्ल को तनु यानी कि सांद्र अम्ल है, एक गाढ़ा अम्ल है, और उसको हमें क्या करना है, तनु यानी कि पतला, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बोला गया पहला ऑप्शन कि पानी में सांद्र अम्ल डाल देना चाहिए। अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं ना तो बहुत ही ज़ोरदार यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, पानी में अगर आप सांद्र अम्ल डाल देंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर आप दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, ये तो गड़बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है बोला गया कि तनु अम्ल में पानी, तो तनु अम्ल में पानी डालेंगे तो तनु पहले से है तो और क्या तनु करना, तनु तो बनाना है आपको, सांद्र अम्ल और तनु जल के बीच में आपको संबंध बताना, तो ये तो गलत हो जाएगा। सांद्र अम्ल में पानी ये राइट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सांद्र अम्ल में आप पानी डालते हैं ना तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपका तनु अम्ल बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगर आपको सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में चेंज करना है तो आपको सांद्र अम्ल में जो तो क्या डालना पड़ेगा, पानी। ठीक है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला एक मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि जल्दी पहुंच जाती है जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा पूरी की गई दूरी यानी कि वह दोस्तों कितनी दूरी तय करती है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, और वो क्या होता है कि यहाँ पर जब स्पीड उसकी अलग अलग हो रही हो और टाइम डिफरेंस अलग अलग हो तो उसके बीच दोस्तों एक फार्मूला लग जाता है, डिस्टेंस क्या आ जाती है, डी बराबर, तो डी बराबर आपका फ्रेंड्स हो जाता है दोनों चालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर 45 × 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम दोस्तों अलग अलग दिया हुआ ना, पहले 5 मिनट लेट हो रही, पहले पहुँच रही है, और फिर क्या हो रहा है कि 3 मिनट देरी से पहुँच रही है। ठीक है, यानी कि टाइम डिफरेंस आएगा, तो इधर स्पीड का डिफरेंस हम ले लेंगे। ठीक है, तो 45 में 40 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, 1 मिनट, देखो पहले 1 मिनट दोस्तों पहले पहुंच रही है पहले की स्पीड से। ठीक है, और बाद में क्या हो रहा है कि 3 मिनट देरी से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले और देरी में यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, ये पहले पहुंच रही थी अब देरी से पहुंच रही है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 4 मिनट का। ठीक है, तो 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मिनट को दोस्तों घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे, तो इधर 15 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 15 × 3 = 45। ठीक है, तो आपका 120/5 यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है, 8 इधर आ जाएगा, 8 × 3 = 24, डी की वैल्यू आपकी 24 आने वाली है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला राइट होगा, ये जो 30 दिया है ये गलत दिया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 24 ही आएगा, कोई गलती नहीं हमने की, तो आंसर आपका 24 किलोमीटर ही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान के हमें स्थान पर कुछ भरना है, रिक्त स्थान के स्थान पर बोला गया कि इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। ठीक है, तो इसे पीने के लिए उप अनुपयुक्त बनाने के लिए, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए, तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, सबसे पहले आप इथेनॉल जानिए कि ये होता क्या है। ठीक है, ये दोस्तों C2H5OH होता है। ठीक है, ये इथेनॉल होता है, और जब दोस्तों इसमें मेथेनॉल मिल जाता है यानी कि CH3OH मिल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एक जहरीली शराब बन जाती है। ठीक है, तो जिसके पीने से दोस्तों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है कई बार, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के। ठीक है, तो इथेनॉल का दोस्तों उपयोग दोस्तों किसी भी पेय पदार्थ को पीने के लिए यानी कि उसको अपेय पदार्थ बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि उसको अगर पिएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस जो है तो प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और आंसर फिगर क्या आएगा, तो बोला गया दिया गया समस्या चित्र के अंतर के उत्तर चित्रों में से किसी एक में निहित है, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शनों में किसी में से एक में उत्तर आपका निहित है। तो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है कि ये सर्कल दिए हुए हैं, और इन सर्कल को जो आप पूरा करेंगे तो ये आपसे पूछेगी क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर्कल को आप पूरा कीजिए, ये सर्कल बन जाएगा, देखो इधर ये सर्कल बन जाने वाला है आपका ये, और इससे जब बनाएंगे आप तो ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये बनाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है आपको,
ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति सी में ही है, तो आपका सी नंबर का राइट होगा। देखते हैं, हाँ सी ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपका जो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो है, क्योंकि स्थिर अवस्था से शुरू होती है, और बाद में 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। ठीक है, और बोला गया यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष दस सेकंड में x2 तय करता है दूरी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ठीक है, यानी कि दोनों डिस्टेंस यानी कि दोनों दूरियों के बीच का यहाँ पर संबंध बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते होंगे कि न्यूटन का जो सेकंड समीकरण होता है गति का, वह s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 ad². ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर मान रख देंगे जो हमें पता है, तो यहाँ पर s हम निकालते हैं सबसे पहले x1। ठीक है, x1 के रूप में निकालते हैं, और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2, और ए क्या है आपका, ए यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ही रख देते हैं इधर पर, और इधर टी की वैल्यू क्या है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 10 कवर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, वो होने वाली है आपकी इधर से 100, और यानी कि 100/2 यानी कि 50 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 है x1 की। अगर आप यहीं से दूसरी की निकालेंगे, x2 की निकालते हैं अपन, तो वो देख लीजिए वो क्या आएगी, तो x2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, u2 प्लस 1/2 ad². ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब, यहाँ से आपकी वैल्यू दोस्तों, यहाँ पर पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ पर x1 आपकी निकल आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि x2 नहीं निकालेंगे। ठीक है, x2 नहीं निकालेंगे, x2 कैसे निकालेंगे वो बताएंगे हम। ठीक है, तो x2 बराबर कैसे हो जाएगा, वो बराबर होगा x-x1 के। ठीक है, मतलब कि जो 20 सेकंड में दूरी तय कर रहा है, यानी कि x मान लेते हैं, और फिर उसमें क्या माइनस कर देंगे हम, 10 सेकंड में दूरी तय कर रहा है वो, तो आपकी जो है तो दो जो अगले 10 सेकंड में तय की गई दूरी आपकी निकल आएगी। ठीक है, कैसे वो भी बता देते हैं, देखो ये है मान लेते हैं, ठीक है पाथ है, और पहले 10 सेकंड में दोस्तों वह वस्तु यहाँ पर आ जाती है 10 सेकंड में, तो यह दूरी x1 हो जाएगी। ठीक है, और अगले 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, तो यह दूरी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और टोटल हमने कितनी मानी है, 20 सेकंड में तय की गई दूरी x मान ली है। ठीक है, तो x यानी कि x2 निकालना है आपको, तो x में आप जब x1 माइनस कर देंगे तो x2 आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो आप निकालिए सबसे पहले। ठीक है, तो x हम यहाँ पर निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ut प्रारंभिक वेग यहाँ पर आपका 0 है, और टाइम दोस्तों 20 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, और 1/2, और a का वैल्यू आपको नहीं रखना अभी यहाँ पर, कोई पता ही नहीं है, और t यहाँ पर क्या है, 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 यानी कि 400 हो जाएगा वर्ग इसका 20 का। ठीक है, तो इधर से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर a इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 200। ठीक है, यानी कि 200 a जो है तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर x2 बराबर क्या हो जाएगा, x कितना निकला आपका, 200 a, और माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका, 50 a। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 150 a। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा गया है कि x2 ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, तो x1 या x2 के बीच संबंध होगा क्या होगा वो आपको बताना है, तो x1/x2 कर देते हैं हम, तो x1/x2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 क्या है, 50 a/x2 क्या निकला है, 150 a। ठीक है, तो a से कट जाएगा आपका, 50 150, यानी कि x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, x1 बराबर क्या होने वाला है, x/2 3। ठीक है, और x2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x2 बराबर आपका क्या हो जाने वाला है, x2 बराबर आपका 3x1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले हमने जो है तो पहले 10 सेकंड में जो तय की गई दूरी वो निकाली, और फिर उसके बाद हमने जो है तो टोटल 20 सेकंड में तय की गई दूरी निकाली है, उसमें से दोस्तों हमने पूरी टोटल दूरी में हमने पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी हमने माइनस कर दी, तो x2 हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20 ओम के तीन प्रतिरोधों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि एक विद्युत परिपथ है और उसमें दोस्तों क्या किया जा रहा है कि समांतर श्रेणी में दोस्तों तीन प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में तीन प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो वो आप देखिए एक इधर पर जोड़ देते हैं और इधर एक, ठीक है। तो तीन प्रतिरोध और वो तीनों के कहे गए हैं 20 ओम के, ठीक है। तो और उसके बाद बोला है कि इस समायोजन में संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और समायोजन को, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। बोला गया कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे जब प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपका समतुल्य प्रतिरोध होता है तो वो होता है एक बटे आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, फिर आगे इसी तरह चलते जाता है, जितने आर दिए हों वही हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या गिवन है कि 1/R और बराबर क्या हो जाएगा 1/20, 3 ओम के जो है तो तीन, यानी कि 20 ओम के तीन प्रतिरोध जुड़े हुए समांतर क्रम पर, तो वैसे लिख लेते हैं तीनों को। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने वाला है 3/20, ठीक है। और इधर से आपकी R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20/3, ठीक है, 20/3। तो आपका बोला गया उनका समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आगे जो आएगा तो ये यहाँ पर कितना आ गया 20/3 ओम का, और तो इधर पर जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो यहाँ पर R जो आएगा अगला जो प्रतिरोध आएगा तो वो आएगा 20/3 और प्लस 10, ठीक है, यानी कि 50/3 ओम का, ठीक है। तो आपका आंसर 50/3 आएगा, ना कि 30 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 50/3 हो जाएगा, तीन प्रतिरोध ही बोला गया था, तो ठीक है हमारा सही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 50/3 देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया हुआ, 30 ही दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छा है। और बोला गया कि एक कुएं को खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर, यानी कि त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगी और गहराई 14 मीटर है, ठीक है। तो एक जो है तो वृत्त यहाँ पर जो है तो कुआं खोदा जाता है, कुआं सभी लोग जानते हो कैसा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वृत्ताकार, ठीक है। और उसको खोदा जाता है यानी कि बेलनाकार दुस्तु आकार में उसका जो है तो खोदा जाएगा, और उसमें से कितनी मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है, ठीक है। और एक जो है तो चारों तरफ फैला दी जाती है एक तटबद्ध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा, यानी कि जो कुआं है उसके जो है तो चारों तरफ 4 मीटर का चौड़ा दोस्तों यहाँ पर तटबद्ध बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, ये चौड़ाई क्या है आपकी 4 मीटर है, ये आप ध्यान देना। और त्रिज्या यहाँ पर क्या है उसकी 3/2, ठीक है, तो 3/2 है, तो इसको देखो आप सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। तो बोला गया कि तटबंध की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, यानी कि इस कुएं की जब मिट्टी आप निकाल निकाल के यहाँ पर डालेंगे इस वाले एरिया में, ठीक है, इस तटबद्ध बनाने के लिए इस वाले एरिया में, तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले जो है तो हमें क्या करना होगा कि इस कुएं में कितनी मिट्टी निकालेंगे कुएं से, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, बेलन के सूत्र से, क्या होता है πr², ठीक है, πr क्या है 3/2 और यहाँ पर 3/2 r² हो जाएगा और h, ठीक है, क्योंकि πr² h होता है बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर h क्या है 14 है, और यहाँ से जब आप काटेंगे तो इधर से जो है तो आपका होने वाला है 22/7 भी लिख लीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 9/4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 14 है, ठीक है। तो इधर 7 से इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो ये यानी कि 99, ठीक है, आपका मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो जो मिट्टी निकलेगी कितनी निकलेगी 99 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस मिट्टी को दोस्तों बिछाना है आपको किसमें, इस वाले एरिया में, तो ये वाला एरिया दोस्तों कैसे निकालेंगे, इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया में, पूरे बड़े वाले एरिया में इस अंदर वाले एरिया को माइनस करके, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पर देख सकते हैं, उसको कैसे निकाला जाएगा वृत्त के सूत्र से, ठीक है, वृत्त के सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है पाई आर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर पाई को कॉमन ले लेते हैं तो आर कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की नहीं कि 3/2 + 4, यानी कि 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11/2, ठीक है। तो 11/2 यानी कि 121/4 स्क्वायर करके निकालने पर हो जाएगा, और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या है तो 3/2 यानी कि 9/4, ठीक है, 9/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इधर से क्या आने वाला है पाई
और इधर से जब 21 में आप 9 माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा, वह 112/4। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, पाई, और कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 4/32। ठीक है, यानी कि 28 पाई आपका यहाँ से आने वाला है। ठीक है, 28 पाई आ रहा है ये, और यहाँ पर इतनी मिट्टी है तो क्या निकालना है कि कितनी हाइट तक जाएगी। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट जाएगी वो एच जाएगी। ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे, देखो 28 पाई इंटू हम मान लेते हैं इसकी हाइट क्या जाएगी, इस वाले एरिया की एच जाएगी। ठीक है, और किसकी वजह से जाएगी, इस जो है तो 99 m³ मिट्टी की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं आप 28 इधर सॉल्व कर लेते हैं, 28 इंटू पाई बट 7 और इधर आपका एच बराबर 99। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेते हैं अपन, तो इधर से आप 11 से 2 बार जाएगा, इधर 9 बार जाएगा। ठीक है, और आपका कोई कटेगा कि नहीं कटेगा वो आप देख सकते हैं, 9 आपका जो 7 चौक 28 भी हो जाएगा, यानी कि जो हाइट आपकी क्या आ जाएगी, 9/4 × 8। ठीक है, तो 9/8 m यहाँ पर हाइट, इतनी हाइट तक वो तटबद्ध जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 9/8 m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 2019 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी तो काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना कितनी अधिक है। ठीक है, तो काले यानी कि काले रंग की मोटरसाइकिलों की तुलना में कितनी अधिक लाल रंग की मोटरसाइकिलें बेची गई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले काले और लाल के बीच में देखें डिफरेंस कितना परसेंट इसका, तो 15% का है। ठीक है, तो 15% का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो टोटल है कितनी है, 15,000, तो 15,000 का जब आप 15% निकालेंगे तो सबसे पहले 15,000 कुल है ना, तो सबसे पहले आपको ऐड करके देखना पड़ेगा कि ये दोस्तों टोटल परसेंटेज जो गाड़ियाँ आ रही हैं सब टोटल कलर की, तो 100% है कि या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी करना पड़ेगा, इधर 20, 30 और 8, 28 और 28 और 7 आपका 35, 20, 25, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो यहाँ से 90 आ रहा है, देखो एक बार और ऐड कर लेते हैं, 20, 10, 30 आठ, 38, 38, 7, 45, 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 70 और 30 100। ठीक है, यानी कि 100% बराबर आपका ये है, तो 15% की वैल्यू यानी कि आपका जो है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 1/100 कर देते हैं। ठीक है, तो आपका यानी कि क्या आने वाला, सिंपल सा 25। ठीक है, यानी कि 2250 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 × 0 = 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर बताना है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो चित्र का सही प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। तो चित्र का सही प्रतिबिंब यानी कि आपका यहाँ पर मिरर इमेज फाइंड करना है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, वो बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, आपका जो है तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि एल सीधा ही का सीधा ही कर दिया गया है, आपका केवल दूसरा ऑप्शन बनेगा। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला गया है कि टॉम के पिता, ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। ठीक है, तो टॉम के पिता जो हैं टॉम हैं और उनके पिता उनके जो है तो क्या है 3 गुना है टॉम से। ठीक है, 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले की बात हुई है, तो दोनों में 10 माइनस करेंगे और कितनी थी 7 गुनी। ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 और 3 × 3 यानी कि 7 − 3 करेंगे तो 4:0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। इधर करेंगे तो 10 × 7 = 70 और इधर 10 × 1। ठीक है, तो 10 आएगा तो 70 − 10 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 1:0 की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि टॉम की वर्तमान आयु क्या थी, 1:0। ठीक है, तो 1:0 की वैल्यू 1 है 15, तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है 15 साल। ठीक है, तो यहाँ पर 14 दिया है, ये दोस्तों रॉन्ग है, रेलवे कई बार क्या है बोनस अंक बहुत देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसे कॉपी भी चेक कर दे नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान और तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपकी ऐसी धातु का नाम बताना है जो अधिक तापमान पर भी वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो वह दोस्तों सिल्वर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सिल्वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोस्तों उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल होती है, सभी को पता है। और क्या होती है ऊर्जा की इकाई, जूल होती है। फोर्स की क्या होती है,
ये आपकी न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन। और शक्ति की क्या होती है, वाट होती है, वाट बराबर ही जूल बटे सेकंड होता है, ठीक है। और आपका जो जूल यानी कि ऊर्जा की समान क्या होती है, वर्क, वर्क की भी दोस्तों जूल होती है, ठीक है। तो जो आपकी ऊर्जा और वर्क होते हैं ना, वो दोनों सेम होते हैं, सेम इकाई वाले, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक घड़ी शाम 6 बजे, ठीक है, यानी कि घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। तो बोला गया कि 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो आपकी एक घड़ी है, यहाँ पर ये घड़ी मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचता है, 12, इधर 1 होता है, सॉरी 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर आपका 9 होता है। तो बज रहे हैं आपके 6, यानी घंटे की सुई यहाँ पर होगी। तो पूछा जा रहा है कि तो रात के समय 9:15, ठीक है, मिनट में मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये साइड दोस्तों क्या दी हुई है, आपकी ईस्ट दी हुई है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं साइड, जब आप क्या आ जाएंगे, क्लॉक वाइज आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये साउथ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ, ओके। क्योंकि डायरेक्शन चेंज है ना, अब ये साउथ को ईस्ट कर दिया है उनने, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे सारी डिस्टेंस, सारी जो है तो दिशाएँ चेंज करते हुए, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पर बोला गया कि 9:15 पे, ठीक है। तो जब आप 9:15 का टाइम लेते हैं, तो इधर आ जाएगी घंटे की सुई, और 15 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी मिनट की सुई, ठीक है। तो जो मिनट की सुई की दिशा किस तरफ हो जाएगी, नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर ब्लड रिलेशनशिप का है। एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़की, एक आदमी, ठीक है, तो एक आदमी यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी, और एक लड़की है, लड़की अपने, एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र, ठीक है, नाना के पुत्र, ठीक है। तो नाना के पुत्र कौन हो जाएंगे, उनके मम्मी के जो पिताजी होंगे, ठीक है, यानी कि मम्मी के भाई जो होगा उनके पुत्र, ठीक है, पुत्र और अपने मौसी के भाई, ठीक है। तो मौसी के भाई यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, मौसी के भाई के रूप में देती है, यानी कि जो ये व्यक्ति है यहाँ पर आ जाएगा। वो तो क्या है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित, तो आदमी क्या हो जाएगा, उस लड़की के मम्मी का भाई, मामा, ठीक है। या तो मामा को दोस्तों हमेशा कोई भी अंकल लेते हैं, ठीक है, मामा फूफा कोई भी हो, मौसा ताऊ, तो यहाँ पर अंकल ही लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आंसर आने वाला है, देखिए। तो जो आपकी ये दोस्तों ऊर्ध्वाधर वाली है ना, तो ये दोस्तों जो ये ना, ये आकृति क्या है, बाहर की तरफ दोनों हैं इनका मुंह, ठीक है, ये मुंह क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है, ये वाला देख रहे होंगे आप, बाहर की तरफ जो है तो सर्कल के रूप में है, ये देखो, और इसमें भी ऐसा ही है, और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, सभी में ऐसा ही है। लेकिन अब आप देखना है कि जो आपकी ये हैं तो इस तरफ है, नहीं कि एक ही साइड है, ये दोस्तों विपरीत साइड हैं, और ये दोस्तों सेम साइड हैं, और ये भी सेम साइड में है, ठीक है, इस साइड है तो ये भी इस साइड है, और ये भी सेम साइड में है, ठीक है, यानी कि एक ही दिशा की तरफ इनके मुंह है, और इसके भी एक ही दिशा की तरफ मुंह है, ठीक है। तो हम अंतर कैसे पता कर पाएंगे, ओके। तो अब अंतर यहाँ पर देखो, ये तो सेम हो गया, तो यहाँ पर जो भी अब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, तो ये तो दोस्तों सभी में आएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वाले अलग अलग दिशा में ना होकर एक ही दिशा में है, ठीक है, और यहाँ पर सारे जो ऊर्ध्वाधर वाले हैं तो अलग अलग दिशा में है, ये तो नहीं होगा आपका, ये भी आपका, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है, ये होगा सी, फिर ये, या फिर ए होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 36 वाले हैं तो वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं है, एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में वाले में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बना लेना है, ये हमने अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बोला गया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं हम सी, इधर है, ठीक है, सी, और सी का आधा क्या होता है, वक्रता केंद्र का आधा फोकस दूरी, ठीक है। तो बोला गया कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु, तो मान लेते हैं वक्रता केंद्र पर ऐसे रखी है वस्तु,
और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखिए, तो यहाँ पर जब दोस्तों कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से मान लेते आएगी तो वह समांतर, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद दोस्तों कैसे जाती है, वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फोकस से होकर ऐसे जाएगी वो, ठीक है। और दूसरी किरण कैसे गुजारेंगे हम, इसके इस वस्तु के होते हुए यहाँ पर फोकस से होते हुए अब वह तो दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्रॉस करेगी तो यहाँ पर आपका जो चित्र बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपकी यहाँ पर इमेज बन रही है तो वह आपकी वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, ठीक है। यानी कि जब आप अवतल दर्पण पर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान बनेगा, यानी कि उसकी लेंथ वस्तु के समान ही रहेगी प्रतिबिंब की, और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह हमेशा वास्तविक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा राइट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही रेलवे क्या बहुत ही इसकी बड़ी कमजोरी है कि क्वेश्चन जो है तो जिस आंसर शीट में आंसर जो देता है वो बहुत ही रॉन्ग देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, बोला गया है कि किसी संख्या का 84% आपका कितना है, 105 है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है कि वह संख्या कितनी है, तो 84% किसी संख्या का मान लेते हैं एक्स, वह संख्या उसका 84% किसके बराबर है, 105 के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है ना, 6 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो 6 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 3 8 24 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 35 से 105, अब इसको 7 चुको 28, इसको 7 पुनः 35, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी वो 500/4 आएगी, ठीक है, 500/4 आएगी ना, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, 125 आएगा। देखो ये भी गलत दिया है, 120 दे दिए, तो आपका आंसर नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2000 ये तो ग्रीस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर, ठीक है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस दोस्तों किसकी बुक है, शशि थरूर की, जो कि केरला से एमपी हैं कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी आकृति डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस जो है तो इसके अंदर दोस्तों एक क्या है, एक जो है तो पॉइंट है, और इसके भी अंदर एक पॉइंट है आपका, और इसके भी अंदर एक आपका पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आपका सी ही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है, ठीक है। तो बाईं से दाईं यानी कि पहला ये हो जाएगा, फिर इस तरफ जाना है आपको, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर समूह है कि बाईं से दाईं जाने पर जो है तो परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाए, ठीक है, परमाणु संख्या में, ओके। तो यहाँ पर सोडियम और ये नियॉन है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, परमाणु संख्या में घटा हो रहा है। और ये पर हीलियम है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, ये भी घट रहा है। कैल्शियम और क्लोरीन ये भी घट रहा है, ये 20 होता है शायद, और क्लोरीन 17 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, ठीक है, बेरियम, ठीक है। तो ये आपका ये बेरियम यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 होता है, बोरान क्या होता है, 5 होता है। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बोला गया कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, ठीक है। तो पाचन के अंत में जो आपके पास एनर्जी आती है तो वह कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फ्रेंड्स आपको मिरर इमेज फाइंड करना है, लेफ्ट राइट साइड आपका मिरर लगा हुआ है, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं कि आसान ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कैसे बनेगा वो, एक तो त्रिभुज बन जाएगा सबसे पहले, ठीक है, त्रिभुज बन जाएगा, और ये जो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और जी ये लाइनें हैं तो इस साइड आ जाएंगी आपकी, ठीक है, और ये जो भरा हुआ पार्ट है ये इधर आ जाएगा, ठीक है,
यानी कि ऐसी आकृति आपको देखना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपको दिख रहा होगा, वही आपका राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अविभाज्य है। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर आपको बताना है कौन सा है। ओके, यानी कि वह जो है तो किसी से भी भाज्य नहीं है, तो 121 दोस्तों होगी नहीं, क्योंकि ये 11 से डिवाइड होती है। और 141 दोस्तों आपकी किससे होती है, देख सकते हैं कि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 5, 1, 6। ठीक है, यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये दोस्तों किससे डिवाइड हो सकता है, ये दोस्तों 7 से मेरे हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14 और बचेगा 3, यानी कि 2 बचेगा तो 21 + 3 = 21, तो 23 × 7 करने पर 161 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अविभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 181, जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो भी आपका किससे संबंधित है, को प्राइम, प्राइम और नॉन प्राइम। ठीक है, यानी कि अभाज्य और भाज्य संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर बोला कि कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी ऐसी दोनों नंबर हैं कि वह क्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि भाज्य होना चाहिए। तो भाज्य होने के लिए आप समझ सकते हैं कि 71 और ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये किसी से भाज्य नहीं है, यानी कि अविभाज्य हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है तो ये तो नहीं होगा, आपसे भाज्य पूछा गया है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी किसी से डिवाइड नहीं है। ठीक है, और आपका जो 131 और 133 है ना, ये डिवाइड है। क्यों, क्योंकि आपका देख रहे हैं 133 किससे डिवाइड होता है, कितने से डिवाइड होता है, 19 से। ठीक है, और 7 से भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है इधर से, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग आ और बा का मध्यावधि और संत्रांत, ठीक है, सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया हुआ है। और बोला गया क्वेश्चन में कि अनुभाग आ और बा दोनों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपसे टोटल संख्या पूछी गई है, यानी कि सभी को आपको ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में फेल विद्यार्थी का जो अनुभाग ए और बी का है ये दिया हुआ नंबर, और मध्यावधि परीक्षा में फेल लेकिन संत्रांत परीक्षा में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है, तो इनको भी ऐड कर लेंगे सभी को, यहाँ पर इनको भी ऐड करेंगे, और दोनों परीक्षाओं में जो पास हो रहे हैं तो उनकी भी संख्या को ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, 28 और 14 कितना हो गया, 42, 42 से आपका 48, 48 और जब आप 64 करेंगे तो आपका कितना हो जाने वाला है, 112, 112 और 23 करेंगे तो आपका 135, और 135 12 147, और इधर से आपका 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 और 55 यानी कि आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 164 और 55 कितना होने वाला है, 9, इधर से 1 और 219 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर 219 होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। देखो क्या बोला गया कि 250 का 56% कितना होगा। ठीक है, तो 250 का 56% बोला गया है ना, तो ऐसे करते हैं अपन 56% बटे 100 कर देते हैं। इस 250 के क्या कर दें आप, 1000 जो बना दें। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करके तो 56 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 14 × 56 होता है, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है, 140। ठीक है, तो आप डायरेक्टली करिए, बाकी आप 56% इसका निकालने बैठते हो तो वो काफ़ी टाइम जो है तो मल्टीप्लाई करने में आप लगा देते, वो नहीं करना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर 1000 बन गया। ठीक है, इसलिए हमने आसानी से कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला है कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो ये आप ध्यान देना, जो केरल में स्थित थुम्बा है वह एक रेल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान अगर 32U है, ठीक है, तो सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आपसे बताना है। तो सल्फर, ठीक है, सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 0.5। ठीक है, यहाँ पर देखो 60 ग्राम नहीं लिखा है, इंग्लिश का दोस्तों, इंग्लिश और जब हिंदी में डिफरेंस हो ना तो आप इंग्लिश का ही हमेशा मान के चलिए। ठीक है, तो इंग्लिश वाला सही होगा, 16 ग्राम पूछा गया। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16U है, और आपसे पूछ रहे हैं 16 ग्राम का पूछा गया। ठीक है, तो इसका देखो सल्फर क्या होता है आपका, सल्फर का जो है तो परमाणु क्रमांक 16 होता है, और इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है आपका, 32। ठीक है,
32, और इसमें कितना बोला गया है, 16 बोला गया, यानी कि जो उसका मोल होगा कितना हो जाएगा, 0.5, क्योंकि आधा ही ग्राम जो, तो आधा तो उसका मास बोला गया है, मास आधा किया तो मोल भी आधा हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला गया है कि सरकार ने विज्ञापन दिए हैं और जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन ना करें क्योंकि वह अस्वास्थ्यकर है, यानी कि वह अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है, इसलिए जो सड़कों पर मिलने वाला भोजन है उसे स्वीकार ना करें, उसे ना खरीदें। ठीक है, तो बोला गया है कि पूर्व धारणाएँ, सरकार सड़क किनारे के दुकानदारों का व्यापार बंद करना चाहती है, ये तो नहीं हम कह सकते। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो व्यापार लोगों का बंद करना चाहती है, ये तो केवल बता रही है कि यहाँ पर जो है तो अशुद्ध भोजन मिलता है, तो सड़क किनारे जो है तो भोजन ना लिया जाए। सरकार होटल मालिकों को लाभ बढ़ाना चाहती है, तो मेरे हिसाब से दोनों गलत हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं निकाल सकते, दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो 8 का वर्ग क्या होता है, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8 से क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया तो 9 हो गया, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 में प्लस 1 करने पर 10 बन जाएगा। ठीक है, इधर 6 में प्लस 1 करेंगे तो आपका 7 आएगा, ना कि 8 आएगा। ठीक है, और इधर करने पर 11 आता है, 11 में प्लस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 करने पर 7 आ रहा है, ना कि 8। ठीक है, तो आपका 36 वाला रूट 36 और 8 वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर आपका कितना दिया है, रूट 2 साइन एक्स। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पर अगर आप 10x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको दिया है साइन एक्स और प्लस कोस एक्स बराबर रूट टू दिया हुआ ना, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको करना चाहिए क्या कि आप यहाँ पर जो है अगर दोनों पक्षों में यहाँ पर साइन है ना, तो अगर आप दोनों पक्षों में साइन का ना डिवाइड करके कोस का डिवाइड कर देते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोस का दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर, तो इधर 10x हो जाएगा, इधर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर आपका रूट 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10x, ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको 10x निकालना है, तो 10x को इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लेने पर रूट 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा, तो 10x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आपकी क्या आने वाली है, 1/√2 + √2 - 1 आ रहा है। ठीक है, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 बटे आपका क्या होने वाला है, √2 - 1 एक बार और एक बार √2 + 1। ठीक है, इधर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 2 कवर करेंगे तो √2 कवर करेंगे तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा, बी कवर, यानी कि 1 कवर 1। ठीक है, यानी कि नीचे आपका जो है तो ऊपर आपका √2 + 1 आएगा, नीचे आपका 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 10x की वैल्यू आपकी √2 + 1 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या डैश है जिनके पूर्ववर्ती यानी कि पहले चिन्ह और उत्तरावर्तनी आगे क्या है, अंक है। ठीक है, तो ऐसे आपको अक्षर लेना है, यानी कि जो आपके अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है वो आपको लेना है, ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, चिन्ह आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, अंक आना चाहिए, तो ऐसे कितने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एम है, एम के पहले एक क्या आ रहा है, आपका चिन्ह तो आ रहा है लेकिन ठीक बाद में आपका नंबर नहीं आ रहा है, अंक नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसके बाद में दोस्तों आपका नंबर नहीं आ रहा है। एन देखते हैं तो एन हो जाएगा क्योंकि इसके पहले एक चिन्ह आ रहा है और उसके बाद में एक नंबर आ रहा है, तो एक हो गया आपका। उसके बाद आप बी देखेंगे तो दोनों तरफ नंबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वो देखते हैं तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले आपका चिन्ह आना चाहिए बाद में नंबर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप सी को देखते हैं तो सी में दोनों तरफ नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और पी को देखते हैं अगर आप तो ये भी नहीं होगा। और डी को देखते हैं तो डी के पहले आपका चिन्ह आ रहा है उसके बाद नंबर आ रहा है, तो डी वाला भी हो जाएगा, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी कि 2 आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया कि यदि किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो किसी संख्या के 15% को दूसरी संख्या, यानी कि हम एक संख्या मान लेते हैं x, उसके 15% को जब हम दूसरी संख्या वाई के 30% से जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, उसके बाद आपसे क्या बोला गया कि यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं के योग x प्लस वाई हो जाएगा, उसके इसके बराबर प्रदान करता है 24% के। ठीक है, 24/100 हो जाएगा। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है, x और y का अनुपात निकालना है इधर से, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इधर 15 इधर 30 है, यानी कि कितना, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा,
तो आप चाहें तो 15/100 यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, 15/100, और इधर एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2y बचेगा और बट्टे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 2y बराबर, अब इसके बाद बराबर में आप देख रहे होंगे कि इधर से क्या आने वाला है, एक्स प्लस वाई और बट्टे आपका 100 है और मल्टीप्लाई 24 है, ठीक है। तो आप चाहें तो दोस्तों काट भी सकते हैं, इधर से 100 से 100 को काट दीजिए और इसको 3 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इधर आपका 3 से काटेंगे 8 बार जाएगा, ठीक है। तो आप भी इसको सॉल्व करने हैं अपन को, वो कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस 10y बराबर इधर से क्या आ जाएगा, 8x प्लस 8y, ठीक है, ये हो गया। अब 3x बराबर आपका क्या आने वाला है, 2y आने वाला है, तो x बाई वाई आपकी क्या आने वाली है, 2/3, ठीक है। तो अब आपको देख रहा होगा कि वह बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, ठीक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, यानी कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में 1:1 का, वो कितना हो जाएगा 4 के बराबर। तो संख्याएं क्या होगी, तो पहली तो दोस्तों 8 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 4×3=12, ठीक है। 1:4 की वैल्यू 4 है, तो 2:8 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 3:8 की वैल्यू 12, यानी कि 8 और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हों। तो पानी के 1 मोल अणु में, यानी कि किसी भी दोस्तों जब कोई आप अणु लेते हैं, ठीक है, तो किसी का भी जब आप 1 मोल लेते हैं तो उसके कितने अणु मौजूद होते हैं 6.02×10^23, ठीक है, अणु मौजूद होते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, कथन और पूर्व धारणाएं हैं। शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने नए लेड यानी कि LED टीवी उत्पादन पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया, ठीक है, यानी कि उसने एक नई टीवी बनाई और उसको दोस्तों 50% तक की छूट पर बेच रहा है वो। उसके बाद बोल रहा है पूर्व धारणाएं क्या है, LED टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, तो इसको कह सकते हैं बढ़ सकती है, जब उन्हें छूट दी है तो बढ़ने के चांस तो है ही हैं, तो संभावना दी हुई है तो ये तो राइट ही हो जाएगा। कंपनी लेड, ठीक है, यानी कि LED टीवी की शीर्षक विक्रेता बन जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि वो शीर्षक विक्रेता बनेगी कि या नहीं बनेगी, बन जाएगी, बन सकती बोलता ना तो हम कह सकते थे, बाकी बन जाएगी ये तो 100% श्योर कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो केवल आपका पहला वाला जो तो अंतर्निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक प्रमेय होती है 1+tan²θ बराबर क्या होता है, sec²θ, सभी लोग जानते होंगे ये प्रमेय। तो यहाँ पर क्या किया है कि sec²θ माइनस क्या कर दिया, tan²θ कर दिया, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको इस तरफ ले गया, टेन को इस साइड, अब 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको a² - b² की तरह सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, sec θ + tan θ और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, sec θ - tan θ बराबर में क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि इसकी वैल्यू आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 2 है तो इस तरफ बटे में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसका LCM क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान है। इसका LCM क्या होगा, सबसे पहले 34 है तो 17×2=34 होता है, और 17×3=51 ये होता है, 17 पहले से ले लिए तो बचा हुआ 3 ले लेते हैं अब, क्योंकि 3 नहीं लिया, 17×6=68 होता है तो 17 ले लिया और 4 में से 1-2 ले लिया तो 2 बचेगा केवल। अब इनका सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17×34 और 14×68 और 68×3 करेंगे तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा, 3×8=24, 3×6=18 और 2×20, ठीक है, यानी कि 204 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला 75वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और जिसको भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि प्रॉब्लम फिगर गिवन है, यानी कि इसका आपका जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जल है तो आपको ये प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब जब भी दोस्तों बोले तो हमेशा नीचे आपको मिरर ही बांध लेना होता है, सिंपल नीचे मिरर मान लेते हैं, वही जल प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है, यानी कि उल्टा बनेगा इसका, और उल्टा जब दोस्तों बनेगा तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है तो यहीं से इसी कोने से स्टार्ट होगा, इससे नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, और ये भी तो रॉन्ग ही है, ये वाला ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ये जितनी भी आकृति दी हैं सभी मेरे हिसाब से रॉन्ग होगी, ठीक है। ओके तो कोई भी आंसर नहीं है इसका, लेकिन इनने चौथा दिया है,
और पता नहीं चौथा कैसे हो गया, चौथा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझदार है इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे होंगे। और जो लोग दोस्तों नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियो हमारी प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।